आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में हलचल है। आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से गुजरात में चुनाव प्रचार कर रही है। इस बीच मीडिया संगठनों द्वारा चुनाव को लेकर किए गए कथित ओपिनियन पोल्स के ये कुछ ग्राफिक्स सोशल मीडिया पर वायरल है। इन पोल्स में आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत होने का अनुमान लगाया गया है। ये काफी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि पिछले 27 सालों से गुजरात में भाजपा का शासन है। वहीं गुजरात को भाजपा का मजबूत गढ़ भी माना जाता है। इंडिया टीवी के इस ग्राफिक में 98 सीटों के साथ आपकी जीत दिखाई गई है। टीवी 9 भारत वर्ष के इन दोनों ओपिनियन पोल्स में भी आम आदमी पार्टी को अन्य पार्टियों से आगे दिखाया गया है। वहीं न्यूज 24 के इस ग्राफिक में भी 95 से 99 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी आगे है। इंडिया टुडे, एक्सिस, माई इंडिया ओपिनियन पोल के इस कथित ग्राफिक में भी आपकी जीत की भविष्यवाणी की गई है। कई यूजर्स ये ग्राफिक सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। बहरहाल ऑल्ट न्यूज़ की डिटेल में की गई छानबीन में सामने आया है कि ये ग्राफिक्स एडिटेड है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल की। रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें इंडिया टीवी का 17 जनवरी 2022 का ये आर्टिकल मिला। ये ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले का है। ये ग्राफिक वायरल ग्राफिक से मेल खाता है, हालांकि दोनों में टेक्स्ट और नंबर अलग अलग है। इंडिया टीवी ने 30 जुलाई को गुजरात में वोट शेयर की भविष्यवाणी की थी। बहरहाल ये आंकड़े उस हिसाब से थे कि अगर उसी दिन चुनाव होता तो ये परिणाम मिलता, लेकिन ये आंकड़े भी वायरल ग्राफिक्स से मेल नहीं खाते हैं। अब बात करते हैं टीवी 9 भारत वर्ष के इन ग्राफिक्स की। इन दोनों ग्राफिक्स में अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं। ये हैरतअंगेज है कि एक ही मीडिया आउटलेट द्वारा किए गए ओपिनियन पोल में दो अलग अलग डेटा सामने आया हो। इस ग्राफिक में तस्वीरें सही तरीके से अलाइन नहीं है, मानो इस ग्राफिक को एडिट किया गया हो। ऑल्ट न्यूज ने टीवी 9 भारत वर्ष के परितोष चतुर्वेदी से बात की। उन्होंने कहा कि ये फेक है, टीवी 9 भारत वर्ष ने ऐसा कोई ओपिनियन पोल नहीं किया है। ऐसा लगता है कि टीवी 9 भारत वर्ष को बदनाम करने की साजिश है। द न्यूज 24 के इस ग्राफिक के बारे में जांच करते हुए ऑल्ट न्यूज को मालूम हुआ कि ये भी असली नहीं है। न्यूज 24 के पत्रकार गोविंद पांडे ने हमें बताया कि ये ग्राफिक नकली है। अब आखिर में बात करते हैं इंडिया टुडे के इस ओपिनियन पोल की। हमें गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया टुडे द्वारा किया गया कोई ओपिनियन पोल नहीं मिला। वायरल ग्राफिक में पोलिंग एजेंसी एक्सिस माई इंडिया का नाम दिया गया है। ऑल्ट न्यूज ने एक्सिस माई इंडिया के CMD प्रदीप गुप्ता से संपर्क किया, जिन्होंने गुजरात के लिए कोई ओपिनियन पोल करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ओपिनियन पोल एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा कभी भी जारी नहीं किया गया था। यानी आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत दिखाने वाले ये ग्राफिक्स फर्जी है। वहीं इसमें दिखाए गए आंकड़े भी पूरी तरह से मनगढ़ंत है।